अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आज खेती ऑर्डिनेंस के विरोध में पूर्ण पंजाब बंद के ऐलान पर शिरोमणि अकाली दल बादल की तरफ से भी पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में भी अकाली वर्करों ने नेशनल हाईवे रोड पर गांव लंबी में धरना देकर इस बिल का विरोध किया। धरने में सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल फोर्ड ट्रैक्टर पर सवार हो के धरने में शामिल हुए, जिन्होंने ने केंद्र के साथ साथ सूबे की कांग्रेस सरकार पर भी तीखे शाब्दी हमले किए। एनडीए ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਜਨਮ ਤਿਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਿਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, एमरजेंसी लाई गई। साहब प्रकाश सिंह जी बादल, चरण सिंह जी, वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सारे जिन्हें लीडर तिहार जेल च रखे गए थे, उठे फैसला किया देश एक तूफान खड़ा करिए। मैं याद है एमरजेंसी का ऐलान करता इंदिरा गांधी 9 जुलाई से उस दिन लोगों को पता नहीं सी की होगा। पूरे देश में ए लग गया सी जिवें मार्शल लॉ पाकिस्तान च लगदा, कोई बोल नहीं सकता, किसी कोल कोई हक नहीं, टीवी वाले सारे दे कैमरे बंद करते, अखबार बंद करते, पता नहीं 5 साल लगनगे, 10 साल लगनगे, किसी को पता नहीं सी। देश में जे एमरजेंसी की जंग शुरू हुई ते पहले जथा गया जेल में जाने वास्ते, वो छोटे बुजुर्ग साहब प्रकाश सिंह जी बादल लेके गए। हिंदुस्तान 2.5 साल तकरीबन एमरजेंसी की लड़ाई चली, तकरीबन पूरे हिंदुस्तान 90,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी, पूरे हिंदुस्तान 90,000। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 90,000, 60,000 ਕੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। श्री मुख्तसर साहब से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।